अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन सूप रेसिपी, जो कि बिल्कुल देसी स्टाइल है और सेहत का तो बहुत बड़ा ख़जाना है। बहुत ही हेल्थी सूप बनकर ये तैयार होता है और सर्दियों के लिए भी बहुत ही खास है, बिल्कुल नानी दादी वाला स्टाइल। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एकदम देसी स्टाइल से हमें चिकन सूप बनाने के लिए हमें एक प्रेशर कुकर लेना है या एक पैन लेना है। उसमें 2 टेबलस्पून हमें ऑयल लेना है, या आप 1 टेबलस्पून देसी घी भी ले सकते हैं। और इसमें हमें 4 से 5 काली मिर्च, दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 इलायची और 1 तेज़पत्ता, जब तेल या घी अच्छे से गर्म हो जाए हमें ऐड कर लेना है। ये जो गरम मसाले हमने ऐड किए हैं ऑयल में, इसके अपने एक हेल्थ बेनिफिट अपने ही हैं, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए। और साथ ही में हमने छोटी सी एक प्याज भी ऐड कर ली है ऑयल में। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा सोटे करना है सिर्फ। हमारी प्याज अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें बोन वाला चिकन लेना है। बोन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम एक हेल्थी टेस्टी सूप बना रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में। हमने लिया है 250 ग्राम चिकन, 1/2 किलो चिकन लिया है, और अच्छे से उसको मिक्स करना है स्पाइसेस में और प्याज में, जब तक उसका कलर चेंज ना हो। अच्छे से इसको भून लेंगे, उसका जो पानी है बिल्कुल भी ख़त्म कर लेंगे। जब तक हमें भूनना है, जब तक चिकन का कलर ऑफ वाइट ना हो जाए। चिकन सूप पीने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है, सेहत अच्छी होती है, सर्दी नज़ले में काफ़ी आराम मिलता है। और साथ ही में हमने ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने दरदरा अदरक लहसुन नहीं लिया है, आप चाहो तो ले सकते हो। हमने पिसा हुआ लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हो। हमने ज़्यादा स्पाइसेस वाली नहीं लिया है ग्रीन चिली, और साथ ही में थोड़ा सा 2 से 3 पिंच हमने दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर लिया है, 2 पिंच टर्मरिक पाउडर लिया है, हल्दी लिया है। अब इसे हमें अच्छे से भुनेंगे ताकि मसालों की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, और जो पानी लिक्विड बोन्स का, चिकन का और अदरक लहसुन का है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जब तक हमें चिकन को भून लेना है। और अगर आप डाइटिंग पर हो तो ये वेट लॉस करने के लिए चिकन सूप बहुत ही बेस्ट है। आप इसे रेगुलर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है और वेट लॉस करने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और 1 लीटर पानी ऐड किया है। हमारा 250 ग्राम चिकन था तो हमने 4 गुना पानी लिया है ज़्यादा, 1 लीटर, क्योंकि ये अभी बॉईल भी होगा और पानी कम भी हो जाएगा। 2 से 3 बाउल ही सूप बनेगा, 2 से 3 लोगों का ही सूप बनकर तैयार होगा, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जायकों से भरा और बहुत ही सेहत से भरा हमारा सूप बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हो एक फ्लेम हमने हाई पे लिया है, सीटी हाई फ्लेम पे लिया है, और 2 से 3 हमने प्रेशर कुक किया है लो फ्लेम पर। 10 से 15 मिनट में हमारा सूप बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लिए और 5 से 10 मिनट और इसे बॉईल करेंगे सूप को, और ये हमारा बढ़िया सा बेहतरीन खूब देसी स्टाइल में सूप बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहो तो बोन्स को चिकन से अलहदा कर सकते हो, बट हमने नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में यूं ही खाना पसंद करते हैं चिकन को, बट हमने छान लिया था ज़रूर से, क्योंकि अगर किसी बीमार इंसान या बच्चों को दो तो ये सारे गरम मसाले प्याज मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते हैं, बच्चे आसानी से नहीं पी सकते हैं और ना कोई बीमार इंसान, इसीलिए हमने सूप को छान लिया है और चिकन के पीसेस अलग कर लिया है। ये आप देख सकते हो बेहतरीन सा बिल्कुल नानी दादियों वाला स्टाइल में चिकन सूप हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए
दो तीन चिकन के पीस हमने ले लिया है और साथ ही में हमने सूप एक अलग बाउल में ले लिया है और इसे हम सर्व करेंगे। पीने में भी और देखने में भी बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहा है माशाल्लाह से। और अगर आपको हमारी ये चिकन सूप की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और साथ ही में चिकन सूप पे आप काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।